सागर धनकर मर्डर केस के आरोपी रेसलर सुशील कुमार पर दिल्ली पुलिस और शिकंजा कसने की तैयारी में है। खबर यह है कि दिल्ली पुलिस सुशील पर मकोका लगा सकती है। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस सुशील कुमार पर मकोका के तहत कार्रवाई करने की तैयारी में है। गैंगस्टर काला झटहेड़ी और नीरज पवाना गिरोह के संपर्क में रहने के आरोप में सुशील कुमार पर मकोका लगता है तो फिर आसानी से जमानत नहीं मिल पाएगी। मकोका लगने के बाद दिल्ली पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने में 6 महीने का समय मिल जाएगा। आरोप है कि सुशील कुमार काला झटहेड़ी और नीरज पवाना गैंग को लोगों की हैसियत और उनके कारोबार की जानकारी देता था। दिल्ली पुलिस की माने तो साल 2018 में सुशील कुमार और गैंगस्टरों का गठजोड़ हुआ। धनखड़ की हत्या के बाद सुशील कुमार ने नीरज बवाना और असौड़ा गैंग के साथ मिलकर काला झटहेड़ी के भतीजे सोनू की पिटाई की थी, जिसके बाद काला झटहेड़ी और सुशील कुमार के रिश्तों में दरार आ गई। लॉरेंस विश्नोई को राजस्थान के अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया है। स्पेशल सेल ने काला झटहेड़ी के खिलाफ भी मकोका का मामला दर्ज किया था। स्पेशल सेल के मुताबिक 300 से ज्यादा बदमाशों वाले लॉरेंस विश्नोई और काला झटहेड़ी गिरोह का नेटवर्क कई देशों में फैला है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।